जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट के अंतर्गत रिक्रूटमेंट आउट हुई है, टोटल पोस्टों की बात करते हो 129 टोटल पोस्ट आउट हुई हैं, जिसमें सभी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो यह आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पक्की सरकारी नौकरी या कॉन्ट्रेक्चुअल का पंगा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की वीडियो में दोस्तों समझेंगे आपको अप्लाई कैसे करना, सैलरी पैकेज, क्राइटेरिया, जितनी बातें बताई है सारी अपनी वीडियो में कवर करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों हाई कोर्ट के अंतर्गत रिक्रूटमेंट आउट हुई है। बेसिकली 129 पोस्ट है, अप्लाई करने की जो डेट्स है 8 मार्च 2022 से 29 मार्च 2022 के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा दोस्तों ऑनलाइन। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। इसमें बेसिकली दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद जो बच्चे उसको क्वालिफाई करेंगे उनका एक फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम होंगे ये कैसे कैसे होंगे और इसके एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। उसी के साथ साथ इसमें लिखा गया है कि आपकी 12th पास आप होने चाहिए, लेकिन उसके साथ मेंशन है कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया होना चाहिए कंप्यूटर में। दोस्तों ध्यान से समझना, या तो कंप्यूटर कोर्स या फिर डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 80 वर्ड पर मिनट की आपकी शॉर्ट टर्म की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 40 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ध्यान से समझना, अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर हमें तो शॉर्ट टर्म आती नहीं है। तो मैं आपको समझा दूं दोस्तों कि इसका जो एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें अभी टाइम है थोड़ा सा, तो इसके लिए आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, इसमें अपनी कमांड कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेशन के साथ। दोस्तों जो पोस्ट का नाम है वो है शॉर्ट हैंड यानी कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट आउट हुई है। इसमें बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, तो जनरल कैंडिडेट वालों को 37 ईयर ज्यादा एज होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की 40 ईयर्स और एससी एसटी कैंडिडेट की 42 ईयर्स। दोस्तों अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, कितने रुपए चार्जेस लगेंगे और आपका एग्जाम कहां पे कंडक्ट होगा। तो बेसिकली दोस्तों पहले आपका एग्जाम इसमें मेंशन किया गया है कि पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, यहां पे ये 3 सेंटर इसमें लोकेटेड हैं, यानी कि आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अप्लाई करने के लिए जनरल वालों को देने होंगे 1000 रुपए और एससी एसटी कैंडिडेट को देने होंगे 500 रुपए। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो बेसिकली दोस्तों इसमें पहले एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होगा, क्योंकि पक्की सरकारी नौकरी है, हाईकोर्ट में काम करने का आपको मौका मिल रहा है। तो बेसिकली दोस्तों पटना में ये रिक्रूटमेंट आउट हुई है। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।